नमस्कार दोस्तों, 14 अगस्त 1947 की रात भारत की आज़ादी का पैगाम लेकर आई थी। एक ओर जहां भारत की आधी आबादी आज़ादी का जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल जैसे राज्य आग में झुलस रहे थे। 14 अगस्त 1947 को इतिहास में काली रात भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो दिन था जब भारत दो हिस्सों में बट गया था। आखिर जब पूरा देश आज़ादी के इस जश्न में डूबा हुआ था तो क्यों गांधी जी वहाँ उपस्थित नहीं थे? भारत की आज़ादी और बंटवारे का क्या कारण था? आज हम पूरी बात जानेंगे इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि 14 अगस्त को भारत का बंटवारा हुआ था, लेकिन इससे पहले 3 जून 1947 को उस समय भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड माउंटबेटन ने रेडियो में पहले ही बंटवारा घोषित कर दिया था। इसे ही 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना कहा गया। भारत के बंटवारे के खिलाफ सिर्फ दो ही लोग थे, एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे अब्दुल गफ्फार खां। ये दोनों ही भारत को स्वतंत्र तो देखना चाहते थे, पर बिना किसी धार्मिक और भूभाग के बंटवारे के। इस कारण इन्होंने माउंटबेटन की इस योजना को नकार दिया, लेकिन इनके अलावा बाकी सभी ने इस योजना को स्वीकार कर लिया था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना ही चाहिए। पर अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसी फूट पहले नहीं थी, बल्कि भारत सर्वधर्म एकता का प्रतीक था, जहां हिंदू मुस्लिम मिलकर रहा करते थे। पर जब भी हमें इतिहास बताया जाता है तो सबके मन में एक ही अवधारणा जरूर बनती है कि हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं थे। जितने भी मुस्लिम शासक थे वो सभी क्रूर और अत्याचारी थे, और जितने भी हिंदू शासक थे वो सभी अच्छे शासक थे और मुस्लिम के खिलाफ थे, और जितने भी युद्ध हुए वो सभी धर्म को लेकर हुए। हाँ, ये बात ज़रूर सच है कि इतिहास के कुछ मुस्लिम क्रूर शासक भी हुए हैं, जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और बख्तियार खिलजी। इतिहास में जितने भी युद्ध हुए थे वो सभी धर्म के लिए नहीं हुए थे, बल्कि सत्ता और साम्राज्य के विस्तार को लेकर हुए थे। इसके लिए कई उदाहरण भी हैं कि एक ही धर्म के लोग आपस में भी लड़े थे, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी के बीच हुआ था। दोनों ही मुस्लिम थे। 20 जून 1790 को मराठा और राजपूतों के बीच पाटन का युद्ध हुआ था। 1576 का प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों और राजपूतों के बीच हुआ था। इस युद्ध को अगर बाहरी तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ा गया एक युद्ध था, पर इस युद्ध में अकबर के सेनापति थे मान सिंह, जो कि एक हिंदू थे। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खान सूर, जो कि एक मुस्लिम थे। ऐसे ही इतिहास में हमें जहाँ एक तरफ कट्टरवादी शासक जैसे औरंगजेब देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ कई धर्मनिरपेक्ष महाराजा जैसे अकबर, दारा सिको, कृष्णदेव राय, छत्रपति शिवाजी देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़े तो हमें पता चलता है कि ये हिंदू त्यौहार भी मनाते थे, जैसे होली, इसे ये ईद ए गुलाबी कहते थे, दिवाली का त्यौहार भी मनाते थे। यहाँ तक कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने भारतीय नृत्य कथक भी सीखा था और ये कृष्ण लीला में भाग लिया करते थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की एकता में फूट कैसे पहुंची? दरअसल इसकी शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से, जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के कई क्षेत्रों में सैनिकों का विद्रोह हुआ। ये एक ऐसा विद्रोह था जहां हिंदू मुस्लिम की एकता व्यापक रूप में देखने को मिली। इस क्रांति के दौरान सभी ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित किया था। इस क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया था, और यहीं से अंग्रेजी सरकार समझ चुकी थी कि अगर हमें भारत पर राज करना है तो हमें इनकी एकता में फूट डालनी पड़ेगी, और इसी कारण अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। अंग्रेजों ने ये फूट सभी स्तर पर डालनी शुरू की थी, जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच, ऊंची जात और नीची जात के बीच, यहाँ तक कि इन्होंने आदिवासियों के बीच में भी फूट डालनी शुरू कर दी थी। और इन्हीं सब के कारण मुस्लिम द्वारा 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, और 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा का गठन हुआ, जिसके एक प्रमुख नेता विनायक दामोदर सावरकर भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और डी सी वाचा द्वारा हो चुकी थी। इसके बाद भारत की आज़ादी और बंटवारे तक कांग्रेस के प्रमुख महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू थे। जिन्ना का कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक हिंदू संस्था है जो सिर्फ हिंदुओं के हित में काम करती है। जिन्ना ने गांधी जी पर आरोप लगाया कि ये सिर्फ हिंदू मेजोरिटी को ही प्रमोट करते हैं। भारत में 80% लोग हिंदू हैं, जिसके कारण हिंदू की ही सरकार बनेगी और मुसलमानों के हित में कुछ नहीं सोचा जाएगा। इसी कारण जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दी, जिससे भारत से अलग मुस्लिमों के लिए एक नए देश बनाने की
मांग की गई। इस टू नेशन थ्योरी को हिंदू महासभा के नेता दामोदर सावरकर ने भी स्वीकार किया था, क्योंकि ये भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। पर वही महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग थे। ये चाहते थे कि भारत स्वतंत्र तो हो, पर उसमें हिंदू मुस्लिम के बंटवारे ना हो, सभी साथ मिलकर रहें, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस मोहम्मद अली जिन्ना और वीर सावरकर से भी मिलते हैं, पर इनकी मुलाकात का कोई फायदा नहीं होता है। 19 फरवरी 1946 को भारत सचिव पैथिक लॉरेंस ने घोषणा कर दी कि सरकार जल्द ही भारतीय नेताओं के सहयोग से स्वराज स्थापित करेगी, और इसी घोषणा के बाद ब्रिटिश मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों का एक दल बनाया जाता है, जिसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया जाता है, और इसी मिशन के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनाने और संविधान सभा बुलाने का प्रस्ताव रखा जाता है, और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बना दी जाती है, जिसके बाद 1946 में दिसंबर के महीने में संविधान सभा का कार्य शुरू कर दिया जाता है। पर इस सभा में मुस्लिम लीग ने भाग लेने से साफ इनकार कर दिया था और पृथक पाकिस्तान की मांग पर जोर देना और अधिक शुरू कर दिया था, जिसके कारण 1946 में बंगाल, बिहार, बंबई तथा अन्य स्थानों पर दंगे हुए, जिसमें हजारों हिंदू मुसलमानों की जान गई। पंजाब में कुछ महीनों में लगभग 5 लाख हिंदू मुसलमान मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। दंगों के दौरान मानवता पूरी तरह से भुला दी गई थी। बड़े पैमाने पर बलात्कार और नरसंहार होने लगे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बता दिया था कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप कर अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। इसके बाद 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया, और 1 अप्रैल 1947 को महात्मा गांधी माउंटबेटन से मिले और इस बात पर चर्चा की कि भारत के बंटवारे को किस प्रकार रोका जा सके। इस बात को लेकर महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना से भी मिले और उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनने का आमंत्रण तक दे दिया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना एक राष्ट्र की मांग पर कायम है, और इसके परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास किया गया और 15 जुलाई को यह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमर्स द्वारा स्वीकृत किया गया। इसके बाद 16 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया और इसी अधिनियम के आधार पर 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली प्रधानमंत्री बने, और भारत में लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली से दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां दंगे व्यापक स्तर पर हो रहे थे। वहां महात्मा गांधी इन दंगाइयों से हथियार डालने और शांति बनाए रखने की याचना कर रहे थे। महात्मा गांधी का कहना था कि ऐसी हिंसा के बाद आज़ादी मिलने की कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। ये आज़ादी सिर्फ सत्ता के लालचियों द्वारा ली गई आज़ादी है। भारत की आज़ादी के बाद 17 अगस्त को ब्रिटिश सैनिकों की पहली टुकड़ी अपने देश के लिए रवाना हुई। इसके ठीक एक वर्ष बाद अंग्रेजों की अंतिम टुकड़ी भी भारत से रवाना हो गई। आप सभी देशवासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।